सीसीए की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। अभी जहां पर हम खड़े हैं ये आप देखेंगे वकील साहब टी स्टॉल। कुछ दिन पहले तक इस दुकान का नाम था चाय लवर्स पॉइंट। ज़बरदस्ती अपना नाम उनको यहां लगाना पड़ा और चाय लवर्स पॉइंट से ये वकील साहब टी स्टॉल बन गया। ये जो नाम चेंज कराया गया है इससे कारोबार पे दिक्कत पड़ेगी बहुत, लेकिन नाम चेंज कराया है ना तो ऐसे ही क्या नाम ठियो पे सेफ्टी भी होनी बहुत ज़रूरी है। पिछले साल तो वैसे ही बंद करा दी थी कि मुसलमान दुकान नहीं खोले। और हम तो खुद कांवड़ियों यात्रियों की सेवा करते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। अगर शासन द्वारा 10 रुपये की चाय आएगी लिखेगी 10 रुपये की चाय बेचेंगे। देख लो लेबर मेरे पास ज़्यादातर हिंदू है, मुसलमान कम है, मैं खुद मुसलमान हूँ। ये तो अब कई ड्रामा हुआ है, ये लिखो वो लिखो ये करो वो करो। चलो जी ठीक है और खोलेंगे, देखते हैं जो भी होगा। बस थोड़ा यही वो है कि नाम से थोड़ा मिस्टेक होती है या आदमी को कि भाई ये मुस्लिम है, हिंदुओं का त्यौहार है, लेकिन 99% तो इसी के ऊपर है। नुकसान तो होना ही होना है। फिर अगर नहीं आम चलेगा तो अगर कोई दिक्कत वाली बात होगी तो बंद कर देंगे। ये तो होना ही है, ये तो मान लिया रोजी रोटी के पर्पज से काम करते हैं। ये तो है नहीं कि भाई हिंदू मुस्लिम के माहौल से काम करते हैं। यहाँ तो हिंदू मुस्लिम सभी आते हैं, सभी का स्वागत है, वो हिंदू हो या मुसलमान हो, हमारे लिए तो सब एक ही समान है। मेरे पीछे यहाँ चीतल ग्रैंड, यहाँ का एक बहुत मशहूर रेस्टोरेंट है, कई सालों से इस हाईवे पर था। कई लोग जो यहाँ से जो यहाँ कर जो ट्रैवल करते थे इस रास्ते से, काफ़ी लोग यहाँ पर रुकते थे। बहुत मशहूर रेस्टोरेंट है यहाँ का, यह हाईवे का बहुत बहुत पुराना रेस्टोरेंट है। अब इनको भी अपना नाम बाहर लगाने के लिए मजबूर कर दिया गया है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ शारिक राणा, इनको अपना नाम यहाँ पर लगाना पड़ा है रेस्टोरेंट के बाहर। वकील साहब टी स्टॉल हो या चीतल ग्रैंड, इतने यहाँ पर लोग आके रुकते थे, इतने लोग यहाँ पर अभी भी रुकते हैं, किसी को आज तक फ़र्क नहीं पड़ा कि इसके मालिक या वकील अहमद हैं या शारिक राणा हैं। लेकिन अचानक ये चीज़ें अनिवार्य कर दी गई हैं, क्या मंशा हो सकती है प्रशासन का इसके पीछे? सीसीए में आपका स्वागत है। हम अभी मुजफ्फरनगर ज़िले के खतौली विधानसभा क्षेत्र में हैं, जहाँ पर अब अभी हम खड़े हैं। यहाँ पर यही ये रोड कांवड़ यात्रा का एक हिस्सा है। बहुत लोग यहाँ से कांवड़ के दौरान गुजरते हैं, कांवड़ी जो हैं यहाँ से बड़ी संख्या में यहाँ से गुजरते हैं। और उसी के संदर्भ में कुछ दिन पहले यहाँ के प्रशासन का एक आदेश आया था कि यहाँ पर चाहे आपका होटल है, रेस्टोरेंट है, ढाबा है, चाय की दुकान है, चाहे आप किसी ठेले पर फल बेचते हो या कोई भी खाने पीने की सामग्री बेचते हो, तो ये उन्होंने अनिवार्य कर दिया था कि आपके उस खाने की दुकान के सामने आपका नाम लिखा होना ज़रूरी है, ताकि आपके धर्म और जाति की पहचान हो पाए। कांवड़ के दौरान ये कंपलसरी कर दिया गया है। मैं याद दिला दूं अपने दर्शकों को, ये 2013 में इसी मुजफ्फरनगर और साथ के शामली ज़िले में एक बहुत बड़ा दंगा हुआ था। 11 साल बाद यही उम्मीद की जा सकती थी कि प्रशासन इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और संवेदनशीलता से ऐसे कदम उठाते कि इतना बड़ा हादसा फिर से ना दोहराया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों का मानना है, कई लोगों का मानना है कि शायद वही स्थितियाँ फिर से इससे कहीं तैयार हो सकती हैं। अभी जहाँ पर हम खड़े हैं ये आप देखेंगे वकील साहब टी स्टॉल। कुछ दिन पहले तक इस दुकान का नाम था चाय लवर्स पॉइंट। ज़बरदस्ती अपना नाम उनको यहाँ लगाना पड़ा और चाय लवर्स पॉइंट से ये वकील साहब टी स्टॉल बन गया। आइए बात करते हैं इस जो चाय की दुकान के मालिक हैं वकील साहब, उन्हीं से ही बात करते हैं। आप वहाँ पीछे भी देखेंगे तो वकील अहमद टी स्टॉल पूरा नाम इनको अपना यहाँ पर लिखना पड़ गया है। कहीं ना कहीं क्या लोगों को डर है, क्या यहाँ के लोगों का, यहाँ जो स्थानीय निवासी है जिनकी दुकान है, इनका इसके बारे में क्या कहना है, आइए बात करते हैं। ये वकील साहब हैं। वकील साहब, ये जो अभी आदेश आया है प्रशासन का, इसके बाद आपने अपनी दुकान का भी नाम बदला है, इस आदेश के बारे में आपका क्या कहना है, आपको क्या लग रहा है इसके बारे में? हाँ जी, ये जो नाम चेंज कराया गया है इससे कारोबार पे दिक्कत पड़ेगी बहुत। कारोबार में ये देख लो, जो कांवड़ यात्रा है, कांवड़ का मेला है रोड पे, तो इसमें कुछ काम नहीं होगा मोमडनों का यहाँ। ऐसा आपको क्यों लग रहा है, ऐसा डर क्यों लग रहा है आपको? मसला ये है ना, जो भोले हैं वह नहीं रुकेंगे। जो कि एक अद्धा बोला है रुक गया ठीक है, जो अच्छे बोले हैं वे सवेरे निकलते हैं, सवेरे अपने चले जाते हैं। जो भीड़ में चलते हैं ना उनका कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। तो आपको लग रहा है कि आपका नाम, क्योंकि अब
सीधा सीधा लिख दिया गया है तो जैसे कि नाम चेंज कराया है ना, तो ऐसे ही क्या नाम ठियो पे सेफ्टी भी होनी बहुत जरूरी है, इसीलिए आपको भरोसा नहीं है कि वो सेफ्टी रहेगी? सेफ्टी होना बहुत जरूरी है। ये बताइए, पिछले साल कावड़ में आपकी दुकान खुली थी? पिछले साल तो वैसे ही बंद करा दी थी कि मुसलमान दुकान नहीं खोलेगा, ये प्रशासन ने कहा था? प्रशासन ने कहा था। और इस बार उससे पिछले साल आप उससे पहले चलाते थे यहाँ कावड़ के? हाँ बिल्कुल चलती थी दुकान, कोई दिक्कत नहीं थी, कैसी भी जैसे चल रही ऐसे चलती थी। लेकिन इस बार आपको मतलब दो मतलब पिछले साल तब तक ऐसा ही है कि बंद हो जाती है दुकान कावड़ में। पिछले साल कितना नुकसान हुआ था जब 10 दिन दुकान बंद करनी पड़ी थी? नुकसान ही है जी, लाखों का नुकसान है, किसी का करोड़ों का नुकसान है, किसी का कितने का। कावड़ के समय तो इतने सारे लोग आते हैं, ऐसे टाइम पर तो बिज़नेस बढ़ती ही है जब ज़्यादा लोग आते हैं, तो आपका जब कावड़ के दौरान बिज़नेस यहाँ चलती थी तो कितना आपको फ़ायदा होता था उससे? यह है कि 50-60 हज़ार रुपये या लाख रुपये दिन का, 10 दिन का, वो 10 दिन में हो जाता था। जो कावड़ के बाद 2 महीने आते हैं ना, तो वे उनकी पूर्ति के लिए होता है, क्योंकि 2 महीने कावड़ के बाद ना कुछ काम नहीं होता रोड पे, भाई ऐसा होता है हल्का फुल्का जिसके पास कस्टमर अपने बारिश की वजह से बस यही बात। तो इस बार क्या सोच रहे हैं, क्योंकि नाम तो बदलवा दिया, दुकान खुली रखेंगे, क्या सोच रहे हैं? मेरा तो मुश्किल है, मैं तो बंद करूँगा दुकान। बंद कर रहे हैं दुकान? बंद करने की सोच रखी है, बंद कर दूंगा, इससे बढ़िया तो यही है कि बंद कर लूँ। प्रशासन ने आके पुलिस ने आपको क्या कहा था, एग्जैक्टली क्या कहा था? बस नाम चेंज कराने को कहा था कि जो भी यहाँ से रहता है जो चला रहा है दुकान उसका नाम हो, तो हमने वकील साहब लिखवा दिया था, तो कहने लगे ये नहीं चलेगा। अच्छा, सामने वालों को पता लगना चाहिए कस्टमर को कि दुकान हिंदू की है या मुसलमान की, तो वकील साहब से कुछ पता नहीं लग रहा था, फिर वकील अहमद करा, इसलिए वो दूसरा बोर्ड वकील अहमद वाला लगा। तो आपने प्रशासन से बात करी इसके बारे में, कुछ बोला था? प्रशासन बात कहाँ करता है यहाँ पे, वो तो बताता है बस, वैसे करना पड़ता है। ये शायद पहली बार इस तरीके से हो रहा है कि दुकानदारों को सीधा सीधा ये बताया जा रहा है कि अपना नाम इस तरीके से लिखे ताकि धर्म और जाति की पहचान हो पाए। एक ऐसा मुल्क जहाँ पर कई सारे लोग अपने धर्मों के साथ, अपने अलग अलग धर्मों में अलग अलग बोलियाँ, अलग अलग जातियों के लोग, हर जगह के लोग यहाँ पर रहते हैं, ये करना कितना सही है कितना गलत है ये आप खुद सोच सकते हैं, और उसी के साथ साथ धंधे पर कितना असर पड़ रहा है, कितना गलत असर पड़ रहा है वो भी आप देख सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ दुकानदारों को ही दिक्कत होगी जिनको बंद करनी पड़ रही है अपनी दुकान, कावड़ भी जो आते हैं वो भी बहुत यहाँ पर रुकते थे, चाय पीते थे और कभी किसी को दिक्कत नहीं हुई। चलिए आगे भी चलते हैं और पता करते हैं बाकी लोगों का भी इस पर क्या कहना है, जिनके इस यहाँ पर खाने पीने की जो सामग्री यहाँ पर लोग बेचते हैं इसी सड़क पर। आइए, हम अभी वकील टी स्टॉल के, वकील साहब टी स्टॉल जिसका कुछ दिन पहले तक नाम था चाय लवर टी पॉइंट, उसके बिल्कुल बगल में खड़े हैं। मेरे पीछे यहाँ चीतल ग्रैंड, यहाँ का एक बहुत मशहूर रेस्टोरेंट है, कई सालों से इस हाईवे पर था, कई लोग जो यहाँ से जो यहाँ कर जो ट्रैवल करते थे इस रास्ते से, काफ़ी लोग यहाँ पर रुकते थे। बहुत मशहूर रेस्टोरेंट है यहाँ का, यह हाईवे का बहुत बहुत पुराना रेस्टोरेंट है। आप इनको भी अपना नाम बाहर लगाने के लिए मजबूर कर दिया गया है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ शारिक राणा, इनको अपना नाम यहाँ पर लगाना पड़ा है रेस्टोरेंट के बाहर। वकील साहब टी स्टॉल हो या चीतल ग्रैंड, इतने यहाँ पर लोग आके रुकते थे, इतने लोग यहाँ पर अभी भी रुकते हैं, किसी को आज तक फ़र्क नहीं पड़ा कि इसके मालिक या वकील अहमद हैं या शारिक राणा हैं, लेकिन अचानक ये चीज़ें अनिवार्य कर दी गई हैं। क्या मंशा हो सकती है प्रशासन का इसके पीछे? हम अभी NH 58 पर ही है, ये भी कावड़ यात्रा का ही हिस्सा है, और इस ढाबे का नाम वीर जी का ढाबा, और अब आप देखिए इनको भी यहाँ पर अपना नाम इसरार पुत्र अमीर आज़म यहाँ लिखने के लिए बोला गया है। इनके जो इंस्ट्रक्शंस जो अभी नए जो फरमान आए हैं प्रशासन से, मुजफ्फरनगर प्रशासन, आइए इनसे बात करते हैं का क्या कहना है। इजरार जी, इजरार साहब, CCA में हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। ये बताइए कि ये जो फैसला लिया गया है प्रशासन द्वारा, क्योंकि कावड़ तो कई सालों से हो रहा है, क्या कभी भी इससे पहले कोई दिक्कत हुई कावड़ के दौरान? इससे पहले कभी कोई दिक्कत नहीं हुई, अब के शासन के आदेश आए थे कि अपना वीर जी ढाबा
प्रोपाइटर पुत्र इसरार पुत्र अमीर आजम नाम लिखवा दीजिए, मोबाइल नंबर, जो खाना खाएगा भोला खा लेगा, जो नहीं खाएगा नहीं खाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं मैं कह रहा हूँ ये जो नाम लिखने के लिए जो बोला गया है ये तो बस जैसा सरकार कर रही ठीक ही है, बाकी ऐसा तो होना नहीं चाहिए। जो नाम वीर जी जो वहाँ से एग्रीमेंट हो रहा है, तहसीलदार एग्रीमेंट कर रहे हैं, वो करना उनको सोचना चाहिए पहले क्यों कर रहे हैं। हमारी आईडी लगती है बाकायदा, उसमें तहसीलदार एग्रीमेंट करता है, वीर जी ढाबे का एग्रीमेंट करता है, 11 महीने का एग्रीमेंट कर रखा, अब दोबारा 11 महीने पूरे हो गए, अब दोबारा कराएंगे, तो ये तो नहीं होना चाहिए। तो वीर जी नाम तो ये है, पंजाबियों की भाषा है वीर जी नाम, बड़े भाई के लिए वीर, बड़े भाई का ढाबा, इसमें ऐसा कोई व्यवहार वाली बात नहीं है। और हम तो खुद कांवड़िया यात्रियों की सेवा करते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। अगर शासन द्वारा 10 रुपये की चाय आएगी लिखेगी 10 रुपये की चाय बेचेंगे, अब लिस्ट आने वाली है कल या परसों, खाना थाली है वे 50 रुपये की लिखेंगे तो 50 रुपये की थाली बेचनी पड़ेगी, इतने 2-3 दिन हम खोलेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। और यहाँ तो सारे एक जगह रहते हैं हिंदू मुसलमान, कोई ऐसी बात ही नहीं आज तक। देख लो लेबर मेरे पास ज़्यादातर हिंदू है, मुसलमान कम है, मैं खुद मुसलमान हूँ, सब एक जगह रहते हैं। ये तो अब के ही ड्रामा हुआ है, ये लिखो वो लिखो, ये करो वो करो, चलो जी ठीक है, जो आदेश कर रहे हैं उसका पालन कर रहे हैं। तो आप कह रहे हैं यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सब काम करते हैं, कभी इस तरह की दिक्कतें नहीं हुई, अचानक ये इस बार आदेश आए? मैं बुलाऊंगा लेबर को, बुलाना है बुला लीजिए, ज़रूर बात हो सकती है। अरे संजय भाई को बुलाइए, संजय भाई आइए। यहाँ जैसे उन्होंने कहा ज़्यादातर इनके यहाँ पर जो काम करते हैं हिंदू मुस्लिम दोनों काम करते हैं, बल्कि ज़्यादा लेबर वो कह रहे हैं हिंदू ही। आपका नाम क्या हुआ? संजय है सर। संजय जी क्या यहीं पर ही काम करते हैं? कितने सालों से कर रहे हैं? 5-6 साल हो गए सर, यहीं करता हूँ काम में। आपको कभी दिक्कत नहीं हुई थी? दिक्कत नहीं हुई है, हम तो सब एक परिवार है हमारा, तो एक ही साथ रहते हैं, एक ही साथ खाते हैं, बस कोई दिक्कत नहीं है हमें। ये जो नाम लिखवाए जा रहे हैं कि यहाँ पर पता चल जाए कि मुसलमान का ढाबा है कावड़ के वक्त, ये वो, इस पर आपको क्या लग रहा है? तो सर इनको पता होगा सर, इस बारे में तो हम बोल नहीं सकते हैं, ये तो इस बारे में नहीं बोल सकते सर। जी सर। लेकिन इस तरह से आप यहाँ हिंदू मुस्लिम सब साथ में साथ में काम करते हैं सर? आप भी खतौली से हैं? हाँ खतौली से हैं सर। खतौली से जी, ठीक है। अभी कावड़ के दौरान भी पहले यहाँ खुला होता था? जी खुला रहता था। कोई दिक्कत हुई? कोई दिक्कत नहीं हुई आज तक, कोई दिक्कत नहीं? हाँ कोई दिक्कत नहीं हुई है। इस बार बंद होने वाला है आपके इसरार साहब कह रहे हैं? हाँ जी बंद होएगा, 22 तारीख को बंद कर देंगे होटल। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपको काम से हमने हटाया। NH 58 पर ही अभी वीर जी दे ढाबे पर थे हम थोड़ी देर पहले, वहीं से चलते चलते अब हम यहाँ पर सुपर टी स्टॉल है, और आप देखेंगे यहाँ पर इनके भी मालिक मोहम्मद अकरम साहब, इनको भी ये अभी इन्होंने यहाँ पर ये लगा दिया है अपना बैनर अपने नाम के साथ, प्रदर्शन अपना नाम लिखना जिसका ऑर्डर आया है प्रशासन से। आइए इनसे भी बात करते हैं, इनके जो मालिक हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। अकरम साहब बताइए ये नाम क्यों लगाना पड़ रहा है आपको बाहर अपनी? ये तो प्रशासन का वो है जी, जैसे प्रशासन कहेगा उसी हिसाब से चलना पड़ेगा हमें तो। बस यही प्रशासन की सोच है, उसने सभी दुकानों पे लगवाए, हमें भी लगाना पड़ा जी, क्या करें। कावड़ तो बहुत सालों से इसी रूट से चलती आ रही, इससे पहले तो कभी नहीं कहा ना? इससे पहले कभी कुछ नहीं हुआ, इसी साल में हुआ है, हमें भी 2 साल के समथिंग होंगे यहाँ, पहली बार ऐसा हो रहा है हमारे साथ। पिछले साल कावड़ में खुली थी दुकान? हाँ जी बिल्कुल खुली थी। तो कोई दिक्कत हुई थी? कुछ नहीं जी। तो फिर ये दिक्कत नहीं हुई थी, कावड़ पे खुली रहती थी, क्या आपको इस बार क्या कावड़ पर फिर से खोलने, क्योंकि अभी दो और लोगों से हम बात करके आ रहे हैं वो तो कह रहे हैं कि हम कावड़ पे बंद करने वाले हैं, आपका क्या लग, आप क्या खोले रख? हमारा तो देखो जी कावड़ के ऊपर ही डिपेंड रहता है, हमें तो खोल के रखनी पड़ेगी और खोलेंगे, देखते हैं जो भी होगा। बस थोड़ा यही वो है कि नाम से थोड़ा मिस्टेक होती है आदमी को कि भाई ये मुस्लिम है, हिंदुओं का त्यौहार है, हालांकि हम बहुत सभ्य तरीके से काम करते हैं, आगे देखी जाएगी जी क्या होगा, जो प्रशासन कह रहा है उसके अनुसार तो चलना पड़ेगा, ये सभी के लिए कर दिया उन्होंने, हमारा भी कोई इसमें कोई नया रोल तो है नहीं, बस यही है जी हमारा तो, हमारा तो यही है कि भैया बोलो का स्वागत है, आओ अपना खान पीन करो, जिसकी इच्छा हो वो खाओ, जो नहीं इच्छा है वाला है वो अपना निकल जाओ, बस यही है जी हमारा तो। तो कावड़ पर आपकी बिजनेस बहुत डिपेंड करती है? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल करती है, बिल्कुल करती है जी। जो बहुत सारे और भी लोग हैं इसी NH 58 पर, हमारी एक दो और भी लोगों से बात हुई जो कावड़ पर, एक तो
छोटा ठेला वाला ही है, चाय की दुकान चलाता है, एक ढाबे वाले भी हैं, वो सब कह रहे थे कावड़ पर बंद होने वाला है, उन सबका कावड़ पर बिजनेस वो सभी कह रहे थे काफी निर्भर करता है। बस देखते हैं जी, अगर सही चलता है हमारा तो हम भी चलाएंगे, वरना बंद कर देंगे। तो ये थोड़ा ही है कि भाई इसी के ऊपर डिपेंड रहना है, लेकिन 99% तो इसी के ऊपर है। नुकसान तो होना ही होना है, फिर अगर नहीं आम चलेगा तो, अगर कोई दिक्कत वाली बात होगी तो बंद कर देंगे। और अगर बंद करना पड़ा तो लगभग कितना नुकसान हो जाएगा? नुकसान तो जो भी होगा जी, 50-60 हज़ार, 90 हज़ार जो भी होगा, ये तो होना ही है। ये तो मान लिया कि रोजी रोटी के पर्पज़ से काम करते हैं, तो ये तो है नहीं कि भाई हिंदू मुस्लिम के माहौल से काम करते हैं। यहाँ तो हिंदू मुस्लिम सभी आते हैं, सभी का स्वागत है, वो हिंदू हो या मुसलमान हो, हमारे लिए तो सब एक ही समान है। हमारे लिए तो सब एक समान है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान। जब कोई व्यवसाय शुरू करता है तो वो ये कभी नहीं सोचता है कि उसका ग्राहक हिंदू हो या मुसलमान होगा या सिख होगा ऐसा ही होगा, वो तो यही चाहता है कि सभी धर्मों के लोग आएँ, जितना लोग और जितनी शांति बने रहेगी समाज में, उतना ही व्यवसाय भी लोगों के बेहतर होंगे, सरकार के भी ख़जाने में उसमें ज़्यादा फ़ायदा होगा। इस तरह के आदेशों से, जैसे कई लोग का कहना है कि यहाँ पर सिर्फ छोटे ठेले और ढाबे वालों का तो नुकसान होना ही होने वाला है, लेकिन कहीं ना कहीं पूरी तरह से आप देखेंगे, पूरी तरह से यहाँ सरकारी ख़जाने को भी एक बहुत बड़ा धक्का लगने वाला है। जैसे यहाँ पर लोग बता रहे हैं कि बिज़नेस का एक बहुत बड़ा हिस्सा कावड़ों पर निर्भर है, NH 58, ये जो है ये कावड़ रूट है, कावड़ यात्रा का रूट है, तो यहाँ पर बहुत, और जैसे उन्होंने कहा कि यहाँ पर लोग चाहे कावड़ी, यहाँ कावड़ यात्री यहाँ पर आते थे, इनके यहाँ पर खाते थे, चाय भी पीते थे, कह रहे हैं बाकी जो दो जगह गए थे उन्होंने कहा था हम कावड़ यात्रा पर अपना बंद कर देंगे, अपनी दुकानें बंद कर देंगे, ये कह रहे हैं कि चलाएंगे, लेकिन इनको भी एक किस्म से डर है, कह रहे हैं कि भाई अगर कोई गड़बड़ हुई तो इनको भी बंद करना पड़ेगा, जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान होगा। उम्मीद यही कर सकते हैं कि प्रशासन, जिसके इस फैसले से इतनी निंदा देश भर में और अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी होने लग गई है, अब यही उम्मीद कर सकते हैं कि अपना आदेश वापस लें, लोगों को शांति से बिना डर के फिर से अपने व्यवसाय चलाने का मौका मिले। जुड़े रहें CCA के साथ।